आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे इंसर्ट टाइप की। लास्ट क्लासेस में हमने इंसर्ट टाइप में हमने इलस्ट्रेशन का पार्ट कवर किया था, आज हम उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इलस्ट्रेशन का पार्ट को कवर किया था, हमने यहाँ पे गेट ऐड तो किए थे। अब हम बात करते हैं चार्ट्स की। तो चार्ट्स को मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस क्योंकि चार्ट हम डायनेमिक चार्ट के साथ कंप्लीट कराते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी भी डेटा के ऊपर आप इजीली चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट होता है क्या, पहले जिसको जान लीजिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा हमने फिगर दे दिया है, तो आप इसमें ईजिली बता सकते हैं कि हाइएस्ट कौन सा है, क्योंकि ये फिगर काफ़ी छोटा है, लेकिन यही फिगर करोड़ों में होगा। यही फिगर आपका करोड़ों में होगा, तो थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा कि इसका कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा किस नंबर पर है, मुझे इसकी रैंकिंग निकालनी पड़ जाएगी। बट इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम चार्ट में, किसी भी चार्ट में शो कर देते हैं, तो ये हमारा इजीली दिख जाता है। तो बेसिकली चार्ट को यूज करने के लिए हम इजीली कंपेयर करने के लिए ही चार्ट का इस्तेमाल करते हैं कि आप अपने डेटा को इजीली कंपेयर कर सके। तो ये कंपेयरिंग के लिए बना हुआ है कि आप इसमें इजीली इसको कंपेयर कर लीजिए, राइट सर। हेलो, अब चार्ट जैसे आपने चार्ट इंसर्ट किया, चार्ट को सिलेक्ट करते ही ऊपर आप देखिए आपके पास दो चीज आएगी, एक आएगा चार्ट डिजाइन, दूसरा आ जाएगा फॉर्मेट। हम चार्ट डिजाइन में बात करते हैं, यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल्स को ले सकते हो कि इजीली आप अपने चार्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, आपका यहाँ आ जाएगा कि आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इजीली मैं कर सकते हैं इसको। और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको रिसाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल के चार्ट्स हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चार्ट्स हैं। हम इंसर्ट में चार्ट की बात आती है, तो सबसे पहला आता है रिकमेंडेड चार्ट, मतलब इस पर क्लिक करते हैं आपको बता देगा कि आपके डेटा में किस तरह के चार्ट्स बनेंगे। जो चार्ट्स आपके लिए है वो चार्ट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें खुद के चार्ट, तो सबसे पहले कॉलम चार्ट की बात करें, तो ये आपका कॉलम चार्ट होता है, ये आपका 100% स्टैक चार्ट होता है। मतलब जो आपके पास ये हो, दो फिगर हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको नेम वाइज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको नेम वाइज ले जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूं इंसर्ट, और यहां पे हम इस चार्ट को लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है कि आपका कॉलन, जितने कॉलन है उतने ही रो आपको यहां पे कॉलन बनेगा, बार बनेगा, और यहां पे इसके पार्ट बन जाएंगे उसके हिसाब से।
अब इसको मान लीजिए ये तो नेम वाइज हो गया, मुझे इसको मंथ वाइज करना था, तो मंथ वाइज करने के लिए आप इसको स्विच कर सकते हैं, यहाँ से स्विच रो टू कॉलम, तो आपका स्विच होगा, ये आपका मंथ वाइज बन गया। तो ये आपका 100% स्टैक चार्ट होता है। दूसरा एक कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए हम तीसरा जो 100% स्टैक चार्ट होता है वो लेते हैं। ये सबका बार सेम होता है, बस उसके परसेंटेज बता देता है कि भाई इसमें जनवरी में पूजा का क्या परसेंटेज है, इसका क्या परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको यहाँ पे शो कर देता है। इसमें परसेंटेज मुझे लाना है तो राइट क्लिक कीजिए, ऐड डेटा लेबल, यहाँ पे नंबर्स आ गए, और मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल करूँगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज, यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, नहीं सॉरी फॉर्मेटिंग डेटा लेबल, इसकी फॉर्मेटिंग मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे आपका वैल्यू है, सीरीज है, जो देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप हालांकि इसको डिटेल में मैं आपको डायनेमिक चार्ट में पढ़ाएंगे, फिलहाल मैं आपको चार्ट को इंसर्ट करना समझाता हूँ कि कैसे चार्ट को इंसर्ट किया जाता है, कौन सा चार्ट किस तरह से इस्तेमाल होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अभी जैसे 3D मॉडल है, आपको 3D में लेना चाहिए, 3D में ले सकते हैं। यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं आप, ये बार चार्ट होता है आपका। तो जैसे यहाँ पे आई आपका आता है उसी तरह से ए बी है, और फिर आपका बार में भी सेम ऐसे ही है, और 3D बार में भी ऐसे ही है, बस ग्राफिक चेंज है, एंगल चेंज है, बाकी सारा सेम ही है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ हमारे पास लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट का यूज होता है कंपेयरिंग के लिए, छोटे डेटा के लिए नहीं, फ्लो देखने के लिए यूज होता है। किसी चीज का अगर फ्लो देखना है आपको तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हमारा नेम हो गया और ये हमारे डेट हो गया, मुझे इसका फ्लो देखना है, इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपका फ्लो बताता है कि क्या फ्लो होगा, कैसा फ्लो होगा। और यहाँ पे इसकी डिजाइन्स है, आप डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, ये आपको डिजाइन भी आपको यहाँ दिखा दे इस तरह से, राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैं एक काम इसमें और भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉप लाइन पे आता हूँ, सॉरी पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ, फिर डेटा लेबल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डेटा ऑप्शंस में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे राइट में है, लेफ्ट में, सेंटर में, अबव में है, तो मैं अबव कर देता हूं तो ये सबके ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद अगर मान लीजिए कि इसकी हम जो इसकी लाइन की कलर होती है, तो इसकी कलर को अगर मैंने इसकी सॉरी इसकी इस पे सिलेक्ट करता हूं, इसकी कलर को अगर मैंने यहां पे नो लाइन कर दिया तो कुछ इस तरह से आपका रिपोर्ट दिखेगा, ठीक है सर। तो इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट्स को भी फ्लो करके देख सकते हैं। तो लाइन चार्ट ऐसे बहुत सारे चार्ट के ट्रिक्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको मैं चार्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूं, इसमें भी आपका ए सेम 100% आता है, स्टैक लाइन होती है, जैसे मल्टीपल लाइंस के लिए ये आपका होता है 100% स्टैक लाइन, ये जो होता है सेम चार्ट है बट इसमें मार्कर जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये लाइन विथ मार्कर है, ये मार्कर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यही पे आप बात करें तो ये 3D लाइन बना देती है, और ये आपका एरिया चार्ट है। अब एरिया चार्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, तो लाइन चार्ट में अगर हम लाइन चार्ट की बात करें,
हम लाइन चार्ट की बात करें तो जस्ट यहाँ पे लाइन शो हो रहा है, आप देख रहे हैं लाइन शो हो रहा है, लेकिन इसी में अगर एरिया दे तो लाइन होगा लेकिन एरिया को लेके आएगा। देखिए एरिया, इसने एरिया अपना ले लिया होगा, ये अपना एरिया यहां से लिया हुआ है, एरिया चार्ट इस तरह के चार्ट की इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ भी आपको जो है स्टैक, ये आपका स्टैक में देखिए मल्टीपल एक ही दिखाएगा, बस उसके परसेंटेज ये दिखा देंगे कंट्रीब्यूशन, ये आपका परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन को क्रिएट कर देगा एरिया चार्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आते हैं पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट हमेशा शेयरिंग के लिए होता है, कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, वो हमेशा एक कॉलम पे काम करता है, याद रखिएगा एक कॉलम। ये इसने इसका कंट्रीब्यूशन दिखा देता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है, दोबारा लगाता हूँ मैं, कहीं कॉल क्लिक कर दिया था। इसमें एक चीज है, इसके भी बहुत सारे फॉर्मेट्स है, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इसे मान लीजिए मुझे डेटा लाना है तो राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर सकते हैं आप यहाँ पे। मुझे डेटा लेवल में डेटा नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो आप इसकी फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाइए और यहां पे लेवल को फॉर्मेट डेटा लेवल यहां पे आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका जस्ट परसेंटेज शो करेगा। अब मान लीजिए इसमें से मुझे थोड़ा सा दिखाना है कि ये अलग है, तो जैसे इसको क्लिक किया, इस पर एक बार और क्लिक कीजिए तो सिर्फ ये आपका 14% वाला पार्ट है वो सिलेक्ट हो गया। इसको लेके आप इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। अब एक 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 प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे मंथ ये है, मतलब कि ये हमारे प्रोडक्ट लिस्ट बनाता हूँ, इंग्लैंड नीचे जो जैसे दो है इसके, मान लीजिए इसके एक और इसके मान लीजिए कि डेढ़ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो एक छोटी सी दिक्कत होती है पाई चार्ट में। पाई चार्ट में आपको जो लास्ट वाला जो दो दिख रहा है आपको ना सर, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है। ऐसा हो सकता है छोटे अमाउंट होने के कारण, क्योंकि ये बहुत कम सेलर है लेकिन रेवेन्यू ज्यादा जनरेट, मैं इसको अलग दिखाना चाहता हूँ। तो दो अलग अलग चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आप चार्ट बना दीजिए पाई ऑफ द पाई चार्ट, यही पे आपको पाई ऑफ द पाई चार्ट। तो ये क्या करेगा, तीन इसने अलग कर लिया, लास्ट जो तीन है लास्ट तीन को अलग कर लिया, लेकिन मुझे लास्ट तीन अलग नहीं करना है। तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में आइए, यहां पे वैल्यू इन द सेकेंड प्लॉट थ्री दिख रहा है, थ्री को टू कर दो, तो ये आपका दो ही दिखाएगा इस तरह से, अदर करके दिखा देगा। तो इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं आप। फिर अगर मैं इसमें देखूं तो हम अगर मान लीजिए कि मुझे पाई जैसा इसमें एक और है, पाई जैसा नहीं चाहिए तो पाई ऑफ द कॉलन है, थ्री डी मॉडल चाहिए तो थ्री डी में आ जाएगा आपको ये, और थ्री डी में इस तरह से बना सकते हैं। और इसको भी चार मान लीजिए, इसको मुझे हटाना है तो क्या दो बार क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा घीच दूंगा तो ये अलग दिखेगा आपको। इसके भी बहुत सारे अपनी फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग यहां से चूज कर सकते हैं आप जैसा आपको चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पाई चार्ट जैसा ही चाहिए लेकिन मेरे पास दो या दो से ज्यादा कॉलम है, दो या दो से ज्यादा कॉलम है,
अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं और यहां पे हमारे सामने आता है एक ये डोनट चार्ट, दो और दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन काफी पतला है। तो यहां पे आपको डोनट होल साइज आपको दिख रहा होगा, होल साइज को कम कर दीजिए, होल साइज को कम कीजिएगा, आपका ये थोड़ा सा मोटा होता चला जाएगा। तो मैंने चार को चार पे कर लिया, ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, पाई की तरह देगा लेकिन डोनट हो जाता है। तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना डोनट चार्ट। उसके बाद एरिया चार्ट आता है। तो एरिया चार्ट क्या होता है कि एरिया के तरह जैसे जमीन के तरह मैप में आपको यहाँ दिखाता है, जैसे जमीन कर दिया दे दिया, जैसे सबसे हाइएस्ट यहाँ पे आएगा, उससे कम उससे कम उससे कम, फिर इस तरह से एरिया में बढ़ जाएगा। ये आपका ये ट्री मैप चार्ट इसको बोलते हैं, इसकी भी अपनी एक अलग अलग फॉर्मेटिंग है, आप यहां से चूज कर सकते हैं। हमारा ट्री मैप चार्ट था, ट्री मैप चार्ट में यहाँ पे एक सरफेस चार्ट होता है जिसका यूज आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक ही कॉलम सेलेक्ट होता है, दो कॉलम अगर मैं मान लीजिए किया, दो कॉलम में क्या होगा देख लीजिए आप एक बार, ये भी आपको एक ही चार्ट होगा। सरफेस चार्ट स्टार थी आपका जो सम सन ब्रश चार्ट होता है वो आपका सिर्फ जो है एक ही कॉलम पे वर्क करता है, पाई चार्ट की तरह ही वर्क करता है, बट वो डोनेट चार्ट और पाई चार्ट का मिश्रण समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ आपके सामने जो आता है ये आपका होस्टोग्राम चार्ट होता है, ये होस्टोग्राम हो गया, ये हिस्टोग्राम, ये पैथ्रो चार्ट हो गया, ये आपके चार्ट होते हैं कौन सा इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक चार्ट, स्टॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें ये आपका ये जो होता है स्कैटर चार्ट होता है, स्कैटर विथ लाइन होता है, लाइन चार्ट से थोड़ा सा अलग होता है, इसके भी एक अपनी अपनी है। ये बबल चार्ट है हमारा, बबल्स बना के देता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं आपको, तो ये आपका वाटरफॉल चार्ट है, ये आपका फ्यूनल चार्ट होता है, और ये आपके स्टॉक चार्ट है यहाँ पे तीन। ये आपका सरफेस चार्ट होता है कि सरफेस की तरह दिखाता है इस तरह से, ये और ये आपका रेडार चार्ट होता है, ये आपका रेडार रेडार पे शो करता है। तो बहुत ज्यादा डेटा हो तो ये रेडार पे यूज किया जाता है। उसके बाद ये आपका साथ आता है कॉम्बो चार्ट, जैसे कि मुझे एक लाइन एक कॉलम चाहिए, एक लाइन एक एरिया चाहिए, तो इस तरह से आप कॉम्बो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात ये आती है मैप चार्ट की, ये आपका अगर डेटा सिटी वाइज है तो आप मैप चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सिटी दे दिया और सिटी में हमने यहाँ पे मैप चार्ट आपका जो लेटेस्ट वर्जन का चार्ट सिटी में, ये आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए सिटी मैप चार्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैप चार्ट पे क्लिक कर दिया। मैप चार्ट में क्या है कि नीड टू ज्योग्राफिकल डेटा, ये बोला है आपका ज्योग्राफिकल डेटा चाहिए, इसमें रीजन स्टेट होना चाहिए इसका। एक मिनट, टेक्स्ट ऑप्शन में नहीं देना होगा, इसमें मुझे रीजन वगैरह देना होगा। इसका ये होगा सिटी में रीड करना चाहिए इसको, सिटी रीड करता है यार।
इसको बताता हूँ सर, इसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटा इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। मैं इसको भी इग्नोर करता हूँ यहाँ पे, मुझे इसके लिए डेटा इसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, जिसमें स्टेट होगा, नंबर होगा, पिन नंबर होगा, तो वो जाके रीड करेगा। एक बार मैं इसके अकॉर्डिंग डेटा डाल के आपको बता दूंगा। मेरे पास डेटा है नहीं, पिवट चार्ट तो नॉर्मली जो पिवट टेबल में लगाते हैं वही चार्ट है। 3D मैप चार्ट होता है, ये आपको 3D के में ले जाएगा, 3D मैप में दिखाएगा आपको सर, और एक अलग से उसका वीडियो बना देगा सर आपका। तो एक्सेल पे अटैच नहीं होता, अलग से मैप यूज किया जाता है इसका, 3D मैप में। एक अलग से ओपन होगा, देखा अलग से ओपन हो गया आपका। रेंज सिटी को उठा के हम सिटी वाले में ऐड कर दिया, सिटी का आईडी है, और सेल्स कोड का उठा के हाईलाइट, और यह सिटी, सिटी तो है ही ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे दिख गया आपको सर। अब यहाँ पे आप जो है न्यू यहाँ एक सेकेंड का सीन है, मैं यहाँ पे न्यू सीन पे क्लिक करता हूँ, न्यू यहाँ पे कस्टम, दस सेकंड का हुआ। आप देखिए इसको प्ले करके देखिए, नहीं ये गलत हो गया, मैं इसको रिपीट करता हूँ, प्ले करके देखिए पता चल जाएगा। तो ये एक मिनट, मैंने इसमें इसको थोड़ा सा अगर हम इसको प्ले टूल पे क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको फ्रॉम बिगनिंग देख गया सर। अब इस वीडियो को आपको यहाँ पे सेव करना है, इसको क्रिएट वीडियो पे क्लिक होता है, फाइल में आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपका वीडियो के लिए वीडियो बनाना होता है इसको सर। मैं नॉर्मल बना देता हूँ, क्विक हो जाएगा, इसको सेव कर देता हूँ वीडियो बनाने में, टूल वन के नाम से। इसे और भी ऑप्शंस हैं, जो मैं इसको पूरी तरह से पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको सर। हालांकि इसका यूज उतना होता नहीं है सर, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ।
अब इसको यहाँ पे उस वीडियो को इंसर्ट करना होता है और फिर उसको प्ले करेंगे। तो आपका जो है वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, ये एक्सेल में यूज नहीं होगा, इसको बाहर से आपको भेजना होगा। कि यहाँ पे देखा आपने क्लोज करने पे यहाँ पे दिस वर्कबुक 3D टूल अवेलेबल, ओपन 3D मैप और एडिट एंड प्ले योर टूल। तो ये ओपन करने के लिए बोल रहा है। हालांकि इसकी वीडियो भी आप दे सकते हैं, जैसे 2-1 हमने बनाया हुआ है, इसका वीडियो भी भेज सकते हैं आप। देखिए 10 सेकंड पे होता है, जैसे पहला सेकंड होता है ये दिख गया आपको, और जैसे जैसे आएगा देखिए, जैसे मैं मूवमेंट किया था ना, मूवमेंट होगा ऐसे ही 10 सेकंड का जो है आप बना सकते हैं। देख रहे हैं, ठीक है सर। बट ये आपको ऑफिस 365 में मिलेगा। ये आपके सामने लाइन होता है, तो लाइन क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें आपका सेल्स नहीं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इस तरह से है, प्रोडक्ट 1 आप चार्ट अलग से बनाना चाहते हैं ना, मुझे चार्ट अलग से नहीं बनाना है, मुझे इसी पे चार्ट बनाना है, इसी के सेल, एक सेल के अंदर में चार्ट लगाना है, एक सेल के अंदर हम इसको चार्ट लगाना चाहते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आप लाइन चार्ट लीजिए और आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सेल के अंदर आपको इसका लाइन चार्ट आ गया। ऐसे आपका एक इंसर्ट यहाँ पे लाइन की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, कॉलम लेता हूँ, कॉलम में मैं यहाँ पे लोकेशन ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो G2 जो यहाँ पे आ रहा है रेंज में डॉलर लगा हुआ है, इस डॉलर को आप हटा दीजिएगा लोकेशन में। अब इसको आसानी से नीचे ड्रैग कीजिए, एक मिनट ने गलती की उसके। ड्रैग करने भी आ जाता था लेकिन ये ड्रैग करने पे आ जाता था, एक एक लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगाइए नीचे ड्रैग किया जाता है, बट इसमें लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। वन बाय वन करना पड़ेगा क्या? लोअर वर्जन में तो आ जाता था, 2007 में हम लोग इसका यूज बहुत करते थे। मैं इसको यहाँ पे आऊँ, इंसर्ट वापस, कोई दिक्कत ऐसा लग रहा है बट हो जाता है, बट मैं इसको अलग फाइल पे करके दिखा दूंगा आपको, इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है सर। और इसको डिटेलिंग में हम आपको आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे, राइट। कल की क्लास में जो बची चीजें उस पे, और हम यहाँ पेज और टैब को खत्म करेंगे, फिर फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नहीं है तो ये सारे फीचर्स को इस्तेमाल कीजिए, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, बाय।